देश भर में स्टूडेंट्स के अंदर कौम वाद पैदा करने के लिए हिजाब और दूसरा इश्यूज लेकर क्लासेस चलने नहीं दिए। हम यहाँ सरकार से सवाल कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को समझते क्या हो? आपको जब भी पैसे चाहिए तब देने के लिए स्टूडेंट्स के पास पैसे कहाँ से होंगे? आप अभी ये पैसे लूट कर बस बस लो बोले तो ये सरासर गलत है, अनएथिकल है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन EIDSO की तरफ से आज यहाँ गुलबर्गा में KSRTC के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट चल रहा है। साथियों, आप सारे जानते हैं हमारे स्टूडेंट्स के आज हालात कैसे हैं। एकदम फीस बढ़ाए जाते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ऐसे दौरान गवर्नमेंट से एक नया इशू आता है, जो अभी बच्चे बस पास लिए हैं और डिग्री कॉलेजेस में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स बस पास लिए हैं, उनकी बस पास की टाइमिंग अभी ख़त्म हो चुकी है। कल से उनकी बस पास की जितनी मन टाइमिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब आगे से बोला जा रहा है उनको 2 महीने बचा है जो 1 महीने की बस पास में, उसके लिए फिर 400 रुपये एक्स्ट्रा देकर स्टूडेंट्स एक्सटेंडेड पास लेना बोल रहे। हम यहाँ सरकार से सवाल कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स को समझते क्या हो? आपको जब भी पैसे चाहिए तब देने के लिए स्टूडेंट्स के पास पैसे कहाँ से होंगे? एजुकेशन को कम्प्लीटली आप लोगों ने प्राइवेटाइज किया है, बच्चों को गवर्नमेंट फीसेस भरना नहीं हो रहे हैं या पूरे लूट रहे हैं स्टूडेंट्स को। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो बस पास लिया गया था, अभी लास्ट जो ख़त्म हुआ है, उस बस पास के दौरान बच्चे पूरे जितने घूमना चाहिए था बस में, कितने महीने आना चाहिए तो कॉलेज को, उतने अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि गेस्ट लेक्चरर्स के प्रॉब्लम किए थे। अपनी गवर्नमेंट से ही प्रॉब्लम हुआ था, उसकी वजह से प्रोटेस्ट होके 1.5 महीने तक क्लासेस नहीं चले। उसके बाद आप ही ने देश भर में स्टूडेंट्स के अंदर कौम वाद पैदा करने के लिए हिजाब और दूसरा इश्यूज लेकर क्लासेस चलने नहीं दिए, तो आपकी गलती है। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे 3-3 महीने 2-2 महीने क्लासेस को ही नहीं आ पाए हैं, घूमे ही नहीं है KSRTC बस में। तो उससे छोड़कर आप अभी ये पैसे लूट कर बस बस लो बोले तो ये सरासर गलत है, अनएथिकल है। इसीलिए हम EIDSO स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से इसको बहुत तीव्र तरीके से खंडन कर रहे हैं। अगर अभी आपने फ्री में एक्सटेंड नहीं किया तो इससे भी बड़ा प्रोटेस्ट पूरे कर्नाटका में उठेगा बोल के हम बोलना चाह रहे हैं। शिल्पा बीके, EIDSO डिस्ट्रिक्ट कमेटी।